हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मांगों और समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर आए दिन तरह तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं। शुक्रवार को युवाओं द्वारा रोजगार की मांग को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया गया। झंडा चौक से युवा रैली के रूप में कारंजा चौराहा पहुंचे और नायब तहसीलदार जगदीश बिलगावे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कुछ युवा पूरी रैली में दंडवत मार्च के रूप में कारंजा तक पहुंचे और जमीन पर दंडवत अर्थात लेटे लेटे ही ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ के तत्वाधान में युवाओं ने शहर के झंडा चौक में दोपहर 12 बजे से सभा का आयोजन किया। इस दौरान एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन कृषि छात्र संगठन के राधे जाट ने कहा कि रोजगार में पोस्ट आती है तो व्यापम घोटाले होते हैं, पैसे वाले पोस्ट पा लेते हैं, गरीब बेरोजगार रह जाते हैं। व्यापम का नाम पीईबी करने पर कहा कि डाकू का नाम राजा रखने से कुछ नहीं बदलता, सिस्टम बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग के लिए परीक्षा होती है, उसकी तिथि एक वर्ष पूर्व आ जाती है और साक्षात्कार के बाद पोस्ट मिल जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर की पोस्ट 23 साल बाद आएगी तो कैसे चलेगा। सरकार को चाहिए कि बेरोजगार आयोग बनाकर रोजगार देने की प्रक्रिया की जाए। बेरोजगार संघ के सुमेर सिंह बड़ोले ने कहा कि एग्रीकल्चर विभाग में व्यापम जैसा पीईबी ने घोटाला किया है, पीईबी को खत्म कर जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए ताकि युवाओं को सपने भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े। सभा व रैली में शामिल युवा तख्तियां थामे हुए थे। सभा के बाद युवा जन रैली के रूप में कारंजा तक पहुंचे। इसमें कुछ युवा दंडवत करते हुए कारंजा पहुंचे और सोते हुए ही अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।